हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम सूक्ष्म शिक्षण की सूक्ष्म पाठ योजना बनाएंगे। हम बहुत सारे सब्जेक्ट पे बहुत सारी सूक्ष्म पाठ योजना बना चुके हैं। यदि आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोल के वहाँ पर आपको बहुत सारे सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ से आप सूक्ष्म शिक्षण की प्लेलिस्ट खोलिए और प्रीवियस सारे वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें हमने सारे कौशलों पे भी अलग अलग वीडियो बनाए हैं और पाठ योजना के वीडियोस भी बनाए हैं हमने। वो सारे वीडियो आपको एक साथ वहाँ मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं पाठ योजना बनाना। सबसे पहले आपको क्रमांक डालना होता है। आप जिस भी क्रमांक का पाठ योजना बना रहे हैं वो डालिए। फिर उसके बाद इस तरीके से छोटा सा इंट्रो आपको लिखना है, जिसमें आपको अपना नाम लिखना है। छात्र अध्यापक लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम, अध्यापिकाएँ लिखेंगी छात्र अध्यापिका का नाम। फिर कक्षा हमारी 10 का प्रकरण है। आप ही में से किसी ने मुझे कमेंट करके इस टॉपिक पे बनाने के लिए बोला था, इसलिए मैंने बनाया है। विषय हमारा विज्ञान है। प्रकरण है गति के समीकरण। कौशल है प्रश्न कौशल और समय अवधि है 5 मिनट या 7 मिनट भी लग सकते हैं आप, क्योंकि 5 से 7 मिनट के बीच में ये वाली प्रेजेंटेशन हो जाती है। फिर सबसे पहले हमें पाठ्य वस्तु, ये ऑप्शनल होती है, हम अपने कॉलेज में लिखवाते हैं इसलिए मैं आपको यहाँ बताती हूँ। बाकी आप चाहें तो कई जगह ऐसा होता है कि पाठ्य वस्तु नहीं लिखवाई जाती है, सिर्फ 3 कॉलम बनवाए जाते हैं और आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना होता है। लेकिन पाठ्य वस्तु बताना इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो प्रश्न कौशल के प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, तो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो जो आपका अवलोकन करता है, जो आपको फीडबैक देगा, उसको पता होना चाहिए कि आप किस टॉपिक पे से कितने उस पे से आपने क्या बच्चों को बताया है और आप उस पे से प्रश्न निकालें, उस थ्योरी में से प्रश्न निकालें। इसलिए विषय वस्तु यदि मेंशन करें तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे हमने गति के समीकरण के बारे में लिख दिया है, गति के 3 समीकरण लिख दिए हैं। उनके में जैसे V का क्या मतलब है, वस्तु का अंतिम वेग। U का मतलब है वस्तु का प्रारंभिक वेग। A का मतलब है त्वरण। T का मतलब है समय। इस तरीके से हमने पूरा बता दिया, एक एग्जाम्पल तौर पर भी बता दिया। यदि U 0 है यानी कि प्रारंभिक वेग 0 है तो समीकरण में क्या होगा, तो जो बदलाव आए वो हमने लिखे। इस तरीके से आप साइंस यदि पढ़ाने वाले हैं, यानी आप साइंस, आपको आती है, आप साइंस के टीचर हैं, तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इस तरीके से ये थ्योरी पे से इसी में से प्रश्न लेना है। तो प्रश्न हम पूछेंगे कि गति के कितने समीकरण हैं, तो बच्चे बताएंगे कि 3। तो यहाँ पर हमारा घटक पहले का पहला और दूसरा इस्तेमाल हुआ। फिर बच्चे पूछेंगे, घटक मैंने लास्ट में लगाए हुए हैं, आप वीडियो को अंत तक देखें आपको समझ में आएगा, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको नंबर बता दे रही हूँ। फिर गति का प्रथम समीकरण बताइए, तो बच्चे बताएंगे, तो आपको यहाँ पे लिखना है, वो बता ही देंगे क्योंकि आपने उनको एक्सप्लेन किया हुआ है क्वेश्चन ही आप यहाँ पूछ रहे हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न हमारा जो घटक है वो दूसरे का दूसरा इस्तेमाल हुआ। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है गति का द्वितीय नियम बताइए, तो बच्चे द्वितीय नियम बताएंगे, तो आपको वो विद्यार्थी कार्य में लिखना है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ घटक जो इस्तेमाल हुआ वो डालेंगे हम। फिर हम अगला प्रश्न करेंगे कि यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 हो तो गति का प्रथम समीकरण क्या होगा, तो आपने बताया है तो इसका उत्तर भी आएगा। फिर हम अगला प्रश्न करेंगे कि गति का तृतीय समीकरण बताइए, वो बताएंगे, हम यहाँ तृतीय समीकरण लिख दें। यहाँ पर भी हमारा पहले घटक का दूसरा पॉइंट यूज़ हुआ है। फिर गैलीलियो किस देश के थे, यहाँ पे हमने थ्योरी में वो भी बताया है कि सर्वप्रथम गति का प्रतिपादन, गति के नियमों का, समीकरणों का प्रतिपादन इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने किया था, तो बच्चे इसका आंसर भी दे पाएंगे। और यहाँ पर हमारा तीसरे घटक का तीसरा पॉइंट इस्तेमाल हुआ। उसके बाद ये प्रश्न कौशल के घटक हैं। पहला घटक है निम्न स्तर के प्रश्न जिसमें पहचान और प्रत्यय स्मरण आता है, तो यहाँ आपको आवृत्ति भी बनानी होती है कि कौन सा घटक कितनी बार यूज़ हुआ। जैसे मैंने यहाँ एक बार ये किया, एक बार ये किया, ऐसा लिख दिया है, तो आप जितनी भी बार जिस घटक का आपके प्रस्तुतिकरण में इस्तेमाल हो, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया, तो आप यहाँ पर आवृत्ति के तौर पर लिख सकते हैं। या तो आप 1, 2, 3, 4, 5 लिखकर जितनी बार जो भी घटक इस्तेमाल हो रहा है उस पर उतनी संख्या पर गोला बना दें, या फिर आप एक बार यूज़ हो रहा तो एक डंडी, दूसरी बार यूज़ हो रहा तो दूसरी, तीसरी बार तो तीसरी, इस तरीके से भी आवृत्ति बना सकते हैं। फिर हमारे दूसरा जो घटक है वो है मध्य स्तर के प्रश्न जिसमें स्पष्टीकरण और प्रयोग है। तीसरा हमारा घटक है उच्च स्तर के प्रश्न जो कि विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और मूल्यांकन प्रश्न होते हैं। तो ये हो गया प्रश्न कौशल के घटक। घटक अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिए जाते हैं, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग बताए जाते हैं। तो यदि आपको अलग घटक भी बताए जाते हैं तो आश्रय उनका यही होता है, बस थोड़ा लिखने का तरीका अलग होता है। मैंने भी अलग घटक, अब कुछ पाठ योजना प्रश्न
कौशल की अलग घटक पे भी बनाई है। मैं हर बार कोशिश करती हूँ आपको सारा मटेरियल उपलब्ध करा सकूँ, तो आपको अगले वीडियो में अलग घटक भी मिल सकते हैं और या प्रीवियस में भी अलग हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई से गलत है या कोई से सही है, हर बुक में हर राइटर का अपना तरीका होता है, तो उस हिसाब से होते हैं, बाकी उनका आश्रय सेम होता है। यहाँ पे हमारी ये सूक्ष्म पाठ योजना समाप्त होती है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप कोई टॉपिक पे चाहते हैं तो हमें फेसबुक पेज पर मैसेज कीजिए टॉपिक की डिटेल, हम जल्द से जल्द उसका सूक्ष्म पाठ योजना बनाकर आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।